सेफ्टी के मामले में यार इसकी इस सेगमेंट में मैंने इतनी सेफ्टी देखी नहीं है किसी में। और रिफाइनमेंट इंजन है यार, आराम से चलाओ आप इसको, इतनी बढ़िया इसकी यार रिफाइनमेंट है। मुझे दूसरा, मुझे इसमें ना सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट पता क्या लगता है, फीचर की बात कर रहा हूँ तो फीचर में आपको बता देता हूँ इसके ना। हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल है सबके, आई होप सब बढ़िया होगे। तो आज हम स्पेशल कुछ लोकेशन में आए हुए हैं और आज की वीडियो में मैं आपको इसके पॉजिटिव बताने वाला हूँ, क्या इसके पॉजिटिव हैं। मैंने आपको कई वीडियो दे चुका हूँ इसकी एम जी एस्टर की, नेगेटिव की मैंने भी एक अलग से बना दी थी, माइलेज की भी बना दी थी। आज स्पेशली इसकी पॉजिटिव बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉजिटिव हैं। 10 पॉजिटिव मैंने निकाले हैं तो मैं सारे आपको आज 10 के 10 पॉजिटिव इसके बताऊँगा कौन कौन से इसके पॉजिटिव हैं। तो बिना कुछ देरी करते हुए पहले इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसका डिज़ाइन। डिज़ाइन आप देख लो, इसका क्रॉसओवर से इसका डिज़ाइन है, एसयूवी सी लुक है, कुछ अलग सा ही डिज़ाइन है यार। साइड से इसकी प्रोफाइल देख लो आप, क्या गजब प्रोफाइल है, कुछ लग्जरी सी लगती है गाड़ी साइड से भी फ्रंट से भी। और ख़ास तौर पे इसकी फ्रंट ग्रिल जो सबको अट्रैक्टिव करती है, तो आप देख सकते हो उसकी फ्रंट की ग्रिल। बाकी और जो इसकी कैटेगरी में एसयूवी आती हैं वो कुछ कॉमन सा डिज़ाइन है, लेकिन इसमें ना एमजी ने कुछ खास डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ना, ये सबको अट्रैक्टिव करती है। और साइड लुक इसकी आप देख सकते हो, साइड लुक इसकी गजब है यार। और पीछे से भी ना इसके टेल लैंप वगैरह, तो वो तो पीछे की तो छोड़ो आप, साइड लुक और फ्रंट से ही वैसे ही अट्रैक्टिव बहुत है ये गाड़ी। तो ये तो इसका एक फर्स्ट पॉजिटिव हो गया। दूसरा, मुझे इसमें ना सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट पता क्या लगता है, इसका इंटीरियर। इंटीरियर आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कोई BMW या कोई ऑडी वगैरह गाड़ी में बैठे हुए हैं। इंटीरियर की लुक और इंटीरियर की फिटिंग यार आप देख सकते हो, लेदर लुकिंग सीट है इसकी और सब सॉफ्ट टच है, ये देख लो सारा सॉफ्ट टच है। तो इंटीरियर के मामले में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। इस क्लास का इंटीरियर मैंने देखा नहीं है, क्रेटा भी लगा लो आप, सेल्टोज लगा लो, इस क्लास का किसी में भी इंटीरियर नहीं दिया हुआ। सीट देख लो आप, साइड पे ये पैनल देख लो, सब ये सॉफ्ट टच दिया हुआ है, सारा कुछ इसमें सॉफ्ट टच दिया हुआ है। ये देख लो आप, सारा सॉफ्ट टच है। ये सामने बम जो डैशबोर्ड है ये भी सारा सॉफ्ट टच है। तो इंटीरियर के मामले में तो यार ये एक नंबर है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है अभी तक। बाकी मैंने और सेगमेंट में ये गाड़ी इस प्राइस में भी देखी है, उसमें ये इंटीरियर देखा ही नहीं है मैंने। तो इंटीरियर के मामले में तो यार एक नंबर है ये गाड़ी, इसका कोई तोड़ नहीं है। तीसरा सबसे बढ़िया इसमें मुझे पॉजिटिव लगता है इसकी सेफ्टी। सेफ्टी के मामले में यार इसकी इस सेगमेंट में मैंने इतनी सेफ्टी देखी नहीं है किसी में। चाहे अडास लगा लो, लेन की असिस्टेंस लगा लो, ब्लाइंड स्पॉट लगा लो, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा लो, ABS, EBD और ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, फीचर तो ना कंपनी ने भर भर के दिए हो, ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है। इस सेगमेंट में इतने फीचर कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। आप कोई भी कंपनी की गाड़ी उठा के देख लो, इतने फीचर आपको, इतनी सेफ्टी आपको कोई भी नहीं देगा। और 6 एयरबैग हैं, 360 कैमरा है इसमें। चौथा इसका पॉजिटिव पॉइंट सबसे बढ़िया मुझे क्या लगता है, इसका बूट स्पेस। आप इसका बूट स्पेस देख लो, 488 लीटर का इसका बूट स्पेस। और आराम से आप ना अच्छे से इसमें लगेज वगैरह रख सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बूट स्पेस इसमें भर भर के जगह दी हुई है बूट स्पेस में, तो मुझे तो कोई कमी लगी नहीं है। तो इसका मुझे ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है। एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें एक और है कि इसमें ना फीचर भर भर के दिए हुए हैं कंपनी ने। फीचर के मामले में मैं कह रहा हूँ कंपनी ने कोई कमी छोड़ी नहीं है यार। 360 कैमरा लगा लो। फीचर की बात कर रहा हूँ तो फीचर में आपको बता देता हूँ, इसके ना ORBM हीटर है जो इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं आते। डिफोगर आ गए वो तो होती हैं सब गाड़ियों में, और हीटर हैं ये भी, मतलब के बारिश वगैरह में ना ये आराम से अच्छे से काम करते हैं। बाकी इसमें एक और पॉजिटिव पॉइंट आपको ये भी बता देता हूँ फीचर, आप ना कोई और सेगमेंट की गाड़ी को धूप में खड़ी कर दो और इसको खड़ी कर दो धूप में, तो वो आपको ज़्यादा गर्म दिखेगी या कम गर्म होती है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका पॉजिटिव पॉइंट। अभी इसमें ना देखो व्हीकल सेटिंग में जाओ, इसमें ये देखो EPS, इसमें डायनामिक नॉर्मल अर्बन आप स्टीयरिंग वो कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, टायर प्रेशर देख सकते हो इसमें, लैंप फॉलो मी लैंप आप 30 सेकंड तक ऑन कर लो, 60 सेकंड, 90 सेकंड, ये आपकी अपनी मर्जी है। और क्रूज कंट्रोल आ गया इसके अंदर, बाकी पुश स्टार्ट बटन आ गया और ये रोबोट वगैरह आ गया। तो फीचर के मामले में मुझे ये गाड़ी सबसे बढ़िया लगी, इसमें ये एक पॉजिटिव पॉइंट है।
ये मुझे इसका पॉजिटिव पॉइंट लगा कि फीचर इसमें अच्छे दिए हुए हैं कंपनी ने, फीचर के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। बाकी एक पॉजिटिव मुझे इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है कि इसमें ना जो सनरूफ है बहुत बड़ा दिया हुआ है, पैनारोमिक सनरूफ दिया हुआ है इसके अंदर, तो सनरूफ तो बहुत बड़ा है, आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं। और सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है, आप इसको ना वन टच से, एक ऐसा नहीं है कि टच करो एक पूरा खुल जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको खोल सकते हो, कितना परसेंट खोलना है कितना परसेंट नहीं खोलना। तो सनरूफ तो इसके बहुत बढ़िया है यार, और काफ़ी लंबी चौड़ी है, पूरी खुल जाती है, ये देखो पीछे तक आप देख सकते हो, पूरी पीछे तक खुल जाती है ये देखो। तो इस सेगमेंट में मैंने इतनी बड़ी सनरूफ नहीं देखी, हाँ क्रेटा में आती है लेकिन उसमें भी थोड़ी छोटी है, ये सनरूफ इसकी सबसे बड़ी है। तो ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। कि एक और इसको पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ आपको, इसमें कंफर्ट गाड़ी में इतना है कि आप ना जहाँ मर्जी लंबे रूट पे निकल जाओ, इसकी सीट की मोटाई देखो आप, महसूस ही नहीं होगी कि थकावट होती क्या है, इतना ज़्यादा कंफर्ट लगा ना मुझे इसमें गाड़ी में, कोई और सेगमेंट की गाड़ी में मुझे इतनी कंफर्ट नहीं लगा, इसका कंफर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कंफर्ट। आप जितनी मर्जी लंबी ड्राइविंग कर लो, और पीछे की सीट भी लगा लो आप, चाहे आगे की सीट लगा लो, पीछे की सीट भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो बहुत अच्छी कंफर्ट है, ये देख लो आप, सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, और आप ग्रिप देख लो कितनी चौड़ी ग्रिप है, यहाँ पे भी आप चेक कर लो भाई, इतना कंफर्ट स्कॉर्पियो एन में आता है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने आप क्रेटा लगा लो, क्रेटा की बैक सीट आप देख लो, उसमें इतना कंफर्ट नहीं है, उसमें बंदा थक जाते हैं, लेकिन इसमें यार किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी एक और पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये है कि ये रोबोट है, तो रोबोट की नेगेटिव पॉइंट भी है इसका, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव में गिनता हूँ। पॉजिटिव में क्या है, आप इसको ना तीन चार कमांड दे दो, जो भी आप जैसे वॉइस से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, एसी वगैरह को, या कोई कॉल वगैरह को, या सनरूफ को आप वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो, तो इसमें ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। और बाकी कोई इसमें गाड़ी में बैठता है ना, तो आते के साथ ये उसको ये महसूस होता है कि ये बाहर से लगवाया है, तो यार ये भी चीज़ बढ़िया लगी मुझे, क्योंकि ये जिसकी तरफ इसको बुलाओ ना तो उसकी तरफ देखने लग जाता है। और तो बाकी जो भी फेस्टिवल होता है ना, उसका फेस्टिवल के बारे में बताता भी है कि आज ये फेस्टिवल है, तो उसके बारे में हमें विश करता है ये, तो इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है। और ये किसी और गाड़ी में मैंने देखा नहीं है आज तक, ये कंपनी ने अच्छा दिया हुआ है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, साइलेंट इंजन, मैं कह रहा हूँ इंजन इसका इतना साइलेंट है ना, देख लो अभी स्टार्ट है गाड़ी, आपको मैं आवाज़ को आपको पता भी नहीं लगेगा कि अंदर आप बैठे हुए हो, इसमें आवाज़ है, आता हूँ ये देखो। तो इंजन तो ना इसका इतना साइलेंट है, देखो कितना साइलेंट है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, नॉइसलेस है इसका इंजन, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इसके अंदर। और रिफाइनमेंट इंजन है यार, आराम से चलाओ आप इसको, इतनी बढ़िया इसकी यार रिफाइनमेंट है, मुझे नहीं लगी किसी और पेट्रोल गाड़ी में। बाकी पॉजिटिव पॉइंट इसका ना एक और है, ये वाला जो इसका सिंगल प्रोजेक्टर की थ्रो है ना, नाइट में इतना बढ़िया है यार, मैं कह रहा हूँ आपको ना फॉग लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना बढ़िया मुझे इसका सिस्टम लगा। देखो अभी स्टार्ट है, तो ये अभी पता भी नहीं लग रहा कि गाड़ी अभी स्टार्ट है, तो ये चीज़ मुझे इसके अंदर बहुत अच्छी लगी। बाकी लुक्स, इसके लुक्स यार कोई तोड़ नहीं है लुक्स का, आप देख लो लुक्स के मामले में बिल्कुल भी ये इसका ना कोई तोड़ ही नहीं है। एक इसमें ये फंक्शन है, आप ना इसको इसकी एप्लीकेशन से इजीली कंट्रोल कर सकते हो, ये इसकी एप्लीकेशन है एमजी वालों की, इससे आप ना अपनी गाड़ी को आराम से कंट्रोल कर सकते हो, इसमें हर एक चीज़ बताता है, टीपीएस से टायर प्रेशर मॉनिटर वगैरह सब कुछ दिखाता है, आपकी गाड़ी लॉक है अनलॉक है, और इसमें काफ़ी सारे फंक्शन भी। आप इसको अभी मैंने देखो जैसे लॉक अनलॉक, अभी मेरी अनलॉक है, मैं इसको अभी यहाँ से इजीली लॉक भी कर सकता हूँ, ये देखो अभी लॉक हो जाएगी, तो ये आप चेक कर लो, अभी गाड़ी मेरी लॉक हो चुकी है, ये देखो ORBM आराम से फोल्ड हो चुके हैं, मेरी की यहाँ पे रखी हुई है, और मैं इसको यहाँ से ये देखो अब यहाँ से अनलॉक भी कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं हम। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अभी देखो मैंने अनलॉक करी, ORBM इसके खुल चुके हैं और गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। इसको आप ना, इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है, ये दिखाता हूँ, ये ट्रैवल पे अगर आप इसको सेट कर दोगे ना, कि जैसे मैंने कल को सुबह 7 बजे ट्रैवल करना है या गाड़ी लेके जाना है, तो आप इस पे टाइमिंग सेट कर दो, 10 मिनट पहले ना गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी इसको आप स्टार्ट भी कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को देख सकते हो कि कहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। और ये रहा इसका स्मार्ट ड्राइव, इसको मैं अभी कनेक्ट करके दिखाता हूँ, मैंने अभी तक कनेक्ट नहीं करा क्योंकि अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि गाड़ी आपने कैसे चलाई, कौन कौन से दिन आपकी गाड़ी चली, और आपकी गाड़ी कैसे एक्सीलेटर हुआ, ब्रेकिंग कैसे हुई,
टर्न कैसे लिया, अगर आपकी गाड़ी कोई भी ले जाए ना तो आप इसको एप्लीकेशन से आराम से चेक कर सकते हो। तो ये देख लो आप ना, इसकी ऑफिशियल की मैं ना इस लड़के को गाड़ी से उतार दूंगा, ये गाड़ी से बाहर ले जाएगा, की को कहीं दूर ले जाएगा, आप सामने से भी देख सकते हो, ये सामने ले जाएगा कहीं दूर, और मैं गाड़ी को ना सिर्फ अपनी ऐप से गाड़ी को स्टार्ट भी करूंगा और चला के भी दिखाऊंगा। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी इसमें मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ये देख लो अभी आप कनेक्ट हो रहा है, मुझे ब्लूटूथ जैसे ही ऑन करा, ये देखो यहाँ से अभी कनेक्ट हो चुकी है ये गाड़ी, लॉक अनलॉक, ये एक्टिवेट इंजन। तो चलो जी आप पहले गाड़ी को ले, इसको की को लेकर बाहर चले जाओ, सामने ले जाओ की को, तो आप देख लेना ये की लेके जाएगा सामने की तरफ, ये देखो काफ़ी दूर चला जाएगा। अभी देखो स्मार्ट की नहीं है और हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और देखो यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे, देखो लो जी गाड़ी मेरी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी को हम चला के भी दिखाएंगे। तो लड़का आप देख लो की लेके वहाँ लेके जा चुका है की, और गाड़ी को हम चला के दिखाएंगे। तो ये सारी पॉजिटिव पॉइंट में आ जाता है इसका, यार एप्लीकेशन का ये फंक्शन मुझे अच्छा लगा। अगर आपकी गाड़ी कोई भी ले जाए, आप देख लो मेरी गाड़ी चल रही है आराम से और की उसके पास है, तो ये फंक्शन मुझे इसके अंदर बहुत अच्छा लगा, ये पॉजिटिव पॉइंट मुझे इसके अंदर बहुत अच्छा लगा इसका। तो ये थे सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने आपको इस वीडियो में सारे बता दिए हैं, जो भी मुझे इसके अंदर पॉजिटिव लगा वो मैंने सारा इसको बता दिया। बाकी एक ना वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा इसकी एसेसरी के, जो इसकी एसेसरी आप लगवाओगे ना जैसे मैंने लगवाई है, इसकी लुक में चार चांद लगा देगी, तो उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एसेसरी कौन कौन सी आप लगवा सकते हो और किस प्राइस पे है, ये सारी जेन्युइन एसेसरी लगवाएं या आफ्टर मार्केट लगवाएं, तो ये चीज़ आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यार राशिद स्टाइलिश ब्लॉग को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो बहुत देखते हो मेरे चैनल की एस्टर को लेकर, लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं मिलता हूँ आपसे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय।